नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC सिकंदराबाद जोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार RRB NTPC सिकंदराबाद जोन में टोटल कितना वैकेंसी है, साथ ही साथ टोटल कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं और आपका पिछले बार का काट ऑफ कितना था। यानी कि दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आपका 2015 में आया था RRB NTPC का, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, इसमें दोस्तों RRB सिकंदराबाद जोन से कितना काट ऑफ गया था उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि RRB सिकंदराबाद जोन में इस बार टोटल कितना वैकेंसी है, कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं और 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों उसमें कितना काट ऑफ था। साथ ही साथ दोस्तों, एक सीट के लिए इस बार RRB सिकंदराबाद जोन से कितना कॉम्पिटिशन है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस बार RRB सिकंदराबाद जोन से, तो इस बार टोटल नंबर जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 3234 वैकेंसी है इस बार RRB सिकंदराबाद जोन से। इस बार जो दोस्तों 2019 में जो RRB NTPC का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इस बार 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट दोनों के लिए यहाँ पे आया है और दोनों मिला के दोस्तों इस बार 3234 वैकेंसी है RRB सिकंदराबाद जोन से। 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों उसमें केवल ग्रेजुएशन डिग्री के लिए है, लेकिन दोस्तों 2019 में जो आया है यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए है। यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3200। दोस्तों अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलअप किया गया है 12,38,354 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है दोनों मिला के, यानी कि दोस्तों 12वीं पास प्लस ग्रेजुएट दोनों मिला के यहाँ पे 12,38,354 कैंडिडेट ने RRB सिकंदराबाद जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर काट ऑफ की, तो यहाँ पे जनरल के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, यहाँ पे 2016 में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे दोस्तों जनरल के लिए RRB सिकंदराबाद जोन से 77.72, OBC के लिए 72.87, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें SC के लिए 63.73 और दोस्तों अगर हम बात करें ST के लिए 59.13 यहाँ पे काट ऑफ गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं RRB सिकंदराबाद जोन में पिछले बार जो काट ऑफ गया था, काट ऑफ बहुत ही हाई गया था। इस बार दोस्तों अगर हम बात करें जो काट ऑफ जो है दोस्तों, इस बार RRB सिकंदराबाद जोन में वैकेंसी जो है पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और इस बार जो फॉर्म फिलअप यह है, फॉर्म फिलअप भी बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ने किए हैं। तो इस बार दोस्तों अगर हम बात करें एक सीट के लिए जो कंपटीशन है RRB सिकंदराबाद जोन में, तो इस बार RRB सिकंदराबाद जोन में एज़ कम्पेयर टू अदर जोन यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन कम है। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी है यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म फिलअप भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ने किए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन है एक सीट के लिए RRB सिकंदराबाद जोन में इस बार कम है। इस बार दोस्तों अगर हम बात करें RRB सिकंदराबाद जोन में एक्सपेक्टेड काट ऑफ की, तो आपका जो काट ऑफ है लगभग आपका 70 से लेकर 75 के बीच में ही जाएगा, जनरल हो OBC हो। और अगर हम दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे 60 से लेकर 65 के बीच में ही आपका काट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड काट ऑफ जो है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ सिकंदराबाद जोन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, एक बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।